हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एजुकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत छे। आज आप कक्षा 8 इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जेनो आपणे स्वाध्यायनु सरस मजानु सोल्यूशन जोवाना छीए। अभ्यासनु सोल्यूशन मित्रों आपणे जोई चूक्या छीए अने हाँ बधा ज विषयना विडियो पाठनी समझूती स्वाध्याय अभ्यास एकम कसोटीना पेपर गाला असाइनमेंट जे कंई तमारे आवतुं होय स्वाध्यायन पोथी प्रथम परीक्षाना पेपर आ बधा ज विषयना विडियो तमने प्लेलिस्टमांथी मळी जशे अथवा तो शाळा मित्र नामनी एप्लिकेशनमां जे तमे गूगल प्ले स्टोर ज्यांथी गेम डाउनलोड करो त्यां जईने जवुं अने तमारा विषय प्रमाणे चैप्टर प्रमाणे तमारे विडियो जोवा जेमां सागर सर द्वारा गणित परेश सर द्वारा सामाजिक विज्ञान ऋत्विक सर द्वारा विज्ञान बराबर नीलम मैडम द्वारा इंग्लिश आम बधा ज विषयना विडियो एमांथी प्राप्त थशे। अने खास मित्रों मारे कहेवानुं छे कोई जरूरियातमंद व्यक्ति छे जे ट्यूशन राखी शके एम नथी कोचिंग राखी शके एम नथी એને આપણી ચેનલ વિશે ખાસ જાણ કરવી જેથી કરીને તેઓ ઘરે બેઠા સારી રીતે અભ્યાસ ફ્રીમાં કરી શકે। પ્રશ્ન એક પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। પહેલું સુનીતા કિતને સમય તક અંતરિક્ષ મેં રહકર લોટી તો એનો જવાબ છે મિત્રો સુનીતા 194 દિન 18 ઘંટે ઓર 58 મિનિટ અંતરિક્ષ મેં રહકર લોટી। ત્યાર પછી છે મિત્રો આગળ સુનીતાને અંતરિક્ષ મેં કિતને પ્રકાર કે રેકોર્ડ બનાઈએ તો સુનીતાને અપ્રેલ 2007 મેં અંતરિક્ષ કે બોસ્ટન મેરાથન મેં ભાગ લિયા ઇસમે 4 ઘંટે 24 મિનિટ મેં 42 કિમી કા સફર તય કરકે પ્રથમ સ્થાન પર રહી થી। સુનીતાને સાઇનોન લ્યુસિક નામક અંતરિક્ષ યાત્રી 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह उन्होंने अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। तीसरा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है તો એનો જવાબ છે મિત્રો અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ કે અલાવા હમારે દેશ કે અંતરિક્ષ યાત્રી હૈ રાકેશ શર્મા ઓર કલ્પના ચાવલા। સત્તર મિનિટ આવી ગયું ને મિત્રો ઓકે। પ્રશ્ન 4 સુનીતા વિલિયમ્સ કે લીએ હમે કિસ બાત કા ગર્વ હૈ તો सुनीता का मूल गुजरात से जुड़ा है। जो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है बराबर सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। पिता दीपक भाई पंडिया जन्म से गुजराती है। वे एक सफल डॉक्टर के रूप में है। 1960 में वे अमेरिका चले गए। वहां युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार वे भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए तो इनो जवाब छे मित्रों सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी। वे पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई। अंतरिक्ष का ज्ञान पाने के लिए उन्हें रूस रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में भी रही। उनका प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। बाद में डिस्कवरी मिशन में शामिल हुए और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए अटलांटिस। छठा अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है तो इनो जवाब छे अंतरिक्ष यात्रा में स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किल ही है। प्रश्न 2 अंदाज अपना
अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? तो आज महिलाएं हरेक क्षेत्र में है, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। चौथा, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी, इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। प्रश्न तीन, पात्रों का परिचय दीजिए। एक कौन सा पात्र है? इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला, पीटी उषा। तो इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। माता का नाम कमला देवी था। उनका जन्म 19 नवंबर 1970 को इलाहाबाद में हुआ था। सन 1942 में उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। लगभग 70 वर्ष तक वे प्रधानमंत्री रहे। 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। उनके मृत्यु पश्चात राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। वे 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू किया था। उनके कोच सीजीके भूपति ने प्रशिक्षण दिया। सन 1905 में ए अमेरिकन ओपन में ग्रैंड स्लैम और चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही थी। उन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। किरण बेदी उनका जन्म 9 जून 1949 अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। सन 1972 में आईपीएस परीक्षा पास की। वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल अधीक्षक के पद पर उन्होंने काफ़ी सुधार किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कायिक कुशलता के लिए उन्हें पुरस्कार और मेडल मिले हैं। मल्लिका साराभाई वे भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। माता मृणालिनी उच्च कोटि की नर्तकी थी। पिता विक्रम साराभाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 में अहमदाबाद में हुआ था। वे कुचिपुड़ी नृत्य भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधारक है की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल में हुआ था। आकाश में उड़ना स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी यात्रा 1 फरवरी 2003 को। उनका यान लौट रहा था तब दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसे। पीटी उषा उड़न परी और स्वर्ण बाला के नामों से प्रसिद्ध दौड़वीर थी। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोंजीकोडा में हुआ था।
कोच मांबियार ने इनको प्रतिभा को पहचाना और प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। प्रश्न 4, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। पुष्पनुच है, कितना सुंदर प्यारा फूल देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। प्रश्न 5, परिच्छेद का रूप से अनुलेखन कीजिए। तो आनु तुम्हारे अनुलेखन मित्रों करवानु छे, बराबर। आज परिच्छेद तुमने आपवामां आव्यो छे, तो एनु समार हूँ करवानु छे, शुद्ध रूप से अनुलेखन कुछ कीजिए। तो जो आपणे लखीए छे कुछ नया करने की, तो एनु लखीए, कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बराबर। तो आ रीते मित्रों तमे ए आखो सुधारी ने फरीथी व्यवस्थित रीते लखी शको छो, क्लियर। आगर तो आ साथे सरस मजानो स्वाध्याय छे, ए स्वाध्याय पूर्ण थई छे, बराबर। तमारा मित्रों दोस्तों ने खास शेर करजो। अहीं सुधी राखिए। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।